Hello everyone, welcome to my channel. आज मैं आपको बताने वाली हूँ interrogative sentences जो कि हम present simple के करने वाले थे इस वीडियो में. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होते हैं interrogative sentences और वो भी present simple के. ओके, तो मैंने interrogative बताया था कि जो question वाले होते हैं जिसमें पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या है माजरा, ठीक है, तो वो sentences हमारे क्वेश्चन मार्क में होते हैं. तो आपको मैंने इससे पहले बताया था जब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको डू और डस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको डोंट बताया था और डजेंट बताया था, ठीक है. तो उसके फंडे तो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे जिसमें कि आपको समझ में आया होगा. जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट मेंशन है, आप उस पर क्लिक करेंगे और आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी. बिकॉज ये एक सीक्वेंस में चलती आ रही वीडियो है जिसमें कि आपको डिफरेंट टेंसेस से लेके हर टाइप की ग्रामर को बताया जा रहा है. ओके, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का सिलसिला, जिसमें कि मैं आपको बता रही हूँ प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, इसके इंटरोगेटिव टाइप के क्वेश्चंस. तो अब देखिए बात यहाँ पे ये आती है कि डू और डस तो हमने पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि हम डू किसके साथ यूज़ करते हैं और डस किसके साथ यूज़ करते हैं. तो डू हमने हमें पता था कि डू हम किसके साथ यूज़ करते हैं, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्लूरल हैं. तो हमें ये समझ में आया कि जो डू है वो हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं और जो सब वर्ब हम यूज़ करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक. अब मैं इसके एग्जांपल्स दे दूँ अगर वर्ब के, तो वर्क हो गया समझो, लाइक हो गया, डू हो गया, हैव हो गया, ठीक है. ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल्स हैं, ये सब वर्ब्स हैं, ठीक है, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल है जिसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंसान. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सपोज मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी डू है, डू, अब यहाँ से मैंने डू उठाया, यहाँ से मैं कोई सब्जेक्ट उठा लूँगी, क्या सब्जेक्ट उठाऊँगी, डू यू, डू यू, डू यू लाइक पिज़्ज़ा, ठीक. अब देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं यहाँ से डू लाई, यहाँ से सब्जेक्ट लाई, यहाँ से वर्ब लाई और मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया और सेंटेंस बना दिया, ठीक है. तो यहाँ डू लगा है, और डू क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो यू है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम हमेशा डू लगाते हैं. अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइक लगाया है, एस नहीं लगाया, क्यों एस नहीं लगाया, पहली बात तो डू और डस के साथ कोई एस यूज़ नहीं होता, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, और यहाँ यू है प्लूरल है तो वैसे भी यहाँ एस नहीं आना है. लेकिन जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि डू और डस के साथ हम कोई भी एस नहीं यूज़ करते. तो ये हमारी वर्ब थी और ये हमारा आगे का सेंटेंस जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है. तो आपने देखा यहाँ पे कि डू यू लाइक पिज़्ज़ा, ठीक. अब मैं अगर सिंगुलर की बात करूँ तो सिंगुलर में हम क्या यूज़ करते हैं, डज. अब सिंगुलर है क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, या फिर कोई नाम या फिर कोई ऐसा चीज़ जो कि सिंगुलर शो कर रहा हो, ठीक है, ही, शी, इट, राम. ओके, अब इसके साथ जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो भी फर्स्ट फॉर्म वाली ही होगी, उसमें कोई ई एस या एस नहीं आएगा, ठीक है. बहुत ध्यान से समझना है कि डज के साथ ई एस और एस नहीं आता है, ठीक. ये समझ लीजिए कि सोचिए ई एस ऑलरेडी डज में लगा है तो हम दो बार उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की ही वर्ब आएगी, उसमें कोई एस एस लगा हुआ नहीं आएगा. ओके, चलिए हम इसका एक वो देखते हैं और हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, जैसे ये चीज़ें क्या हैं, सिंगुलर, ठीक, क्या है, सिंगुलर है. अब आपको इतना समझ में आया कि ये सिंगुलर है और हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट लगा रहे हैं, तो इसके एग्जांपल्स क्या हुए, इसके भी एग्जांपल वही हुए, वर्क हुआ, लाइक हुआ, कोई भी वर्ब यूज़ कर लो. यहाँ मैंने कुछ जो है मतलब कुछ चुनिंदा यूज़ की हैं, बाकी इट्स योर विश, आप कोई भी यहाँ वर्ब यूज़ कर सकते हो.
फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए बशर्ते। अब मैं इसे एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे कि डज लगा है तो मैं यहाँ लिखती हूँ डज डज। सब्जेक्ट यहाँ यूज़ करती हूँ मैं कोई भी, डज शी। अब यहाँ पे लाइक आ गया, मैं यहाँ लाइक यूज़ कर रही हूँ, डज शी लाइक पिज्ज़ा। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग ऐसी गलती करेंगे कि जो यहाँ पे करेंगे डज शी देखेंगे, कहेंगे यहाँ सिंगुलर है एस लगा दो। ठीक है, डज शी लाइक्स पिज्ज़ा। जैसे ही आप इसको ऐसा कर देंगे, यहाँ पे लाइक्स लगा देंगे, वैसे ही आपका ये आंसर हो जाएगा एकदम गलत, क्योंकि ये जो लिखा है लाइक वो लाइक रहेगा, क्योंकि डज में ऑलरेडी ई एस आ गया है तो हम लाइक में ई एस नहीं लगाएंगे। डज के साथ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा और आपका शी लाइक जो है वो बिल्कुल सही है, जो कि डज लगा है। अगर आप कभी देखो कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा हुआ है, मतलब सिंगुलर के साथ लाइक लगा हुआ है एस नहीं लगा है, तो पहले देखो कहीं डज का यूज़ तो नहीं हुआ है। अगर डज का यूज़ हुआ है तो समझ जाओ कि ठीक है भाई, ये तो होना ही है। ओके फाइन, ओके। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिसमें कि हम आपको और क्लैरिफाई कर पाएँ कि क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं आपको एक परफॉर्मा बता दूँ तो किस अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। डू या डज आता है पहले, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं वर्ब, सॉरी, और वर्ब के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब कौन सी, फर्स्ट वाली। ओके गॉट इट, इस अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है इन चीज़ों पे। तो ये हमारा परफॉर्मा हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम अब सेंटेंस फ्रेम आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको सेंटेंस फ्रेम आउट करना है। ओके, अब यहाँ पे सपोज आपने डू यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी डू, फिर सब्जेक्ट लिखूँगी डू यू वर्क, डू यू वर्क एट नाइट, क्या तुम रात में काम करते हो, डू यू वर्क एट नाइट। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखिए डू जो था यहाँ पे आया, यू क्यों आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक, बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। अब आपने डू यू वर्क एट नाइट, डू यू वर्क एट नाइट, ठीक, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे यू आया है तो यहाँ डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। ओके, वर्क लगा है इसमें एस नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है डू और डज के साथ एस नहीं लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, डज रीना प्ले फुटबॉल, ठीक, क्या रीना फुटबॉल खेलती है। आप देख रहे हो, आप यहाँ पे डज लगता है क्योंकि ये रीना सिंगुलर है, और प्ले लगा है, प्लेज नहीं लगा है क्योंकि डज का यूज हुआ है। डज अगर लगेगा तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। समझ में आया, ओके। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो प्लीज़ कमेंट करें नीचे, और उसके बाद मैं आपको फिर से समझा दूँगी। देन एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अब क्या कर सकते हैं हम, हाँ देखो, डू यू लाइक म्यूज़िक ऐसा भी लिख सकते हैं, डू यू लाइक म्यूज़िक, क्या तुम्हें म्यूज़िक पसंद है। ठीक, तो आप देख रहे हो यू लगा है तो डू आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू लगता है, और लाइक में एस नहीं आएगा क्योंकि डू और डज का एस यूज़ नहीं करते हैं। ओके फाइन, अब देखो, अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि डू और डज के पहले क्वेश्चन भी लग सकता है। क्वेश्चन क्या हुआ, अब मैंने आपको ये ऑलरेडी, जिन लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के वीडियोस देखे हैं वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी वीडियोस में कि यहाँ पे हम इसके आगे एक क्वेश्चन टाइप का चीज़ें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चंस में क्या आ सकता है, क्वेश्चंस में कवर हो सकता है व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हाई, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं जो हम पूछते हैं, व्हाट, वेयर, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये सब पूछते हैं। ओके, तो चलो एक इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ व्हाट,
does this word mean? इस वर्ड का क्या मतलब है? What does this word mean? ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो आप क्या लगा है, does लगा है. तो does किस चीज़ के लिए लगा है? पहली बात तो ये आती है this word, इस वर्ड के लिए. ठीक, ये एक इंडिविजुअल वर्ड की बात हो रही है. ठीक है, एक इंडिविजुअल वर्ड की बात हो रही है इसलिए does है. ठीक है, सिंगुलर की बात चल रही है और यहाँ पे कोई भी एस नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहाँ डज लगा हुआ है. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने व्हाट का यूज़ किया है और व्हाट के डज के पहले उसको लगा दिया है. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज जैसे बहुत लोग बोलते हैं व्हाट डू यू डू, बहुत कॉमन सी चीज़ है. ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दो डू हैं, एक ये डू है एक ये डू है. ठीक है, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो. ठीक है, तुम क्या करते हो भाई, तो ये पूछता है व्हाट डू यू डू. तो आप डू यहाँ देख पा रहे हैं क्या है, डू यहाँ इसलिए लगा है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है और यू से पहले लगा है. इसका मतलब ये है कि ये यू जो है वो सब्जेक्ट है, प्लूरल है, प्लूरल का, तो इसीलिए यहाँ डू लग गया है. और ये जो डू सेकंड वाला है ये आपकी वर्ब है. ठीक है, ये आपकी वर्ब है, जो आपकी वर्ब होती है ना मेन वर्ब, ये वो है वर्ब. और ये वर्ब बताना चाह रही है कि तुम क्या कर रहे हो. ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. व्हाट डू यू डू, तुम करते क्या हो, इसका मतलब ये है तुम करते क्या हो. तो यहाँ पे डू जो है इसमें कोई एस या ई एस इसलिए नहीं लगा है क्योंकि यहाँ डू है, ऊपर से ये यू है, तो यहाँ पे वैसे भी कोई ई एस नहीं लगता है क्योंकि प्लूरल में कोई एस नहीं लगता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें. तो चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ इसी पार्ट की, एक और ख़ास चीज़ जिसमें कि आपको कोई भी रिप्लाई, कोई कुछ पूछता है तो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए. तो आप कैसे उसका आंसर दोगे, तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ बन जाता है अगर कोई पूछता है आपसे कि डू यू प्ले बैडमिंटन, क्या तुम बैडमिंटन खेलते हो, तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्लूरल है, डू लगा है और प्ले लगा है यहाँ पे. ठीक है, वर्ब हमारी, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है. ओके, तो आपसे किसी ने पूछा कि डू यू प्ले बैडमिंटन, क्या आप बैडमिंटन खेलते हो, तो आपने जवाब दिया एक पॉजिटिव. अब देखिए जवाब क्या होता है, एक हाँ होगा या ना होगा, आपसे पूछा ही ये चीज़ गया है कि क्या तुम खेलते हो या नहीं खेलते हो, तो आपको यहाँ पे जवाब जो देना है वो पॉजिटिव या नेगेटिव में देना है जो आप करते हो. तो यहाँ पे जो आपका रिप्लाई होगा वो दो टाइप से हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो चलिए पहले देखते हैं कि अगर आप पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे. तो अगर आप कहते हो कि जी हाँ मैं खेलता हूँ, तो आप बोलो कि येस आई डू. ठीक है, आई डू, हाँ मैं खेलता हूँ. ठीक है, आई डू, मैं करता हूँ. ठीक है, आई डू, येस आई डू. अगर आपको बोलना है नहीं मैं नहीं खेलता, नहीं खेलता मैं, तो आप बोलोगे नो आई डोंट. ठीक है, ये शॉर्ट आंसर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. जैसे कोई पूछता है ना आपसे कि क्या आपको रोज़ ये चीज़ें खाना पसंद है, तो आप कहते हो नो आई डोंट, आप मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है. तो आप आई डोंट बोल सकते हो या आई डू बोल सकते हो, ये आपके आंसर्स पे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव की बात की जाए. अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे कि कोई पूछता है कि डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है आप यहाँ भी देख सकते हो. देखो योर पेरेंट्स की बात हुई है, ठीक है, और पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट को देख के हमने यहाँ पे जो ये लगाया है डू, वो इसी कारण लगाया है. ठीक है, अब यहाँ देखो स्पीक है, यहाँ कोई भी आपका वर्ब बिल्कुल सही लगा हुआ है, कोई एस वेस नहीं लगा है, बिल्कुल सही. आपको ये चेक करते हुए चलना है जिसमें आपका ब्रेन एक्टिव रहे कि कब गलत होगा कब सही होगा. तो आपको जो पॉजिटिव आंसर देना है और जो नेगेटिव आंसर देना है आप कैसे दोगे, वो पूछता है डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश, तो आप कहोगे यस. अब देखो पेरेंट्स है यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो क्या हो गया, आपसे पूछा गया तो यू का आई हो गया
और अगर आपके पेरेंट्स के लिए पूछा गया है तो वे लोग, क्या आपके पेरेंट्स जो हैं इंग्लिश बोलते हैं, तो आप कहो कि हाँ वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो वो लोग इंग्लिश बोलते हैं तो क्या होगा, दे, यस दे डू, ठीक। अगर आप कहो नहीं बोलते हैं तो नो दे डोंट, ठीक। आपको यहाँ इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आई के साथ हमने डू लगाया है और आई के साथ हमने डोंट लगाया है, ठीक है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, क्योंकि आई के साथ डू और डोंट का यूज़ होता है, आई मीन आई के साथ डू का यूज़ होता है। दे है, यू प्लूरल है, और हमको पता है कि प्लूरल के साथ ही डू का यूज़ होता है, तो यहाँ पे दे डू लगाया है। ओके, अब हम और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें आप और भी क्लियर हो जाएं इसके बारे में। हाँ, जैसे कि डज रोहन वर्क हार्ड। ओके, अब यहाँ पे कई लोग गलत कर सकते हैं वर्क्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डज रोहन वर्क हार्ड, ठीक है, ये ऐसा है बिल्कुल। अब जैसे कि रोहन वर्क हार्ड करता है, हार्ड वर्क करता है, तो वो पूछ रहा है कि एक बंदा किसी और बंदे के बारे में, तो डज रोहन वर्क हार्ड, कोई मुझसे पूछ रहा है कि रोहन के सच में हार्ड वर्क करता है, तो मैं कहूँगी या ही डज, ठीक। अगर वो करता है तो ही डज, ही डज क्यों आया, क्योंकि रोहन जो है वो कोई एक तीसरा पर्सन है, ठीक है, वो कोई और है जिसके बारे में मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इसका कि यस ही डज, हाँ वो हार्डवर्क करता है। और एक सेकेंड आंसर बन सकता है, तो मैं कहूँगी नो ही डजेंट, वो बिल्कुल हार्डवर्क नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड आंसर बन जाएगा, मतलब नेगेटिव के सेंस में। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि डज योर सिस्टर लिव इन मुंबई, क्या तुम्हारी बहन मुंबई में रहती है, तो लोग कहेंगे, तो वो पूछेगा पॉजिटिव रिप्लाई या नेगेटिव रिप्लाई। अगर आपको कोई पूछता है क्या आपकी बहन मुंबई में रहती है, तो आप कहोगे नो, आई मीन अगर रहती है तो कहोगे यस शी शी डज, ठीक है। और अगर नहीं रहती तो नो शी डजेंट, नहीं वो नहीं रहती, तो आप कहोगे नो शी डजेंट, कहते रहती है, हाँ शी डज रहती है। अगर कहोगे नहीं रहती तो क्या कहोगे, नो शी डजेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसे आराम से ध्यान रख सकते हो और इजीली अपने आंसर सबको ऐसे ही दे सकते हो। कोई आपसे कुछ पूछ रहा है ना, तो आप ऐसे ही रिप्लाई करो उन लोगों को, ठीक है, यस आई डू या फिर नो आई डोंट, ठीक। तो आप अगर ऐसे यूज़ करोगे तो फिर आपकी जो बोलने का तरीका है ना, वो आपका बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा, और आप इस सब चीज़ों में कभी गलती नहीं करोगे। तो ठीक है, इसकी अगली वीडियो में जो लेके आऊँगी उसमें मैं एक नए टॉपिक से स्टार्ट करूँगी। सो प्लीज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।